एनआरसी के बाद हम रियलाइज करते हैं कि हमारा कोई भरोसा ही नहीं है किसी चीज़ पे, ना हम सरकार पे भरोसा कर सकते हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कर सकते हैं। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने इंडिया की कलेक्टिव के लिए अब्दुल को फांसी पे चढ़ाया था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो आज पता चलता है कि अफजल गुरु का पार्लियामेंट अटैच में कोई हाथ नहीं था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो कि पहले बोलती है कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था, ताला तोड़ना गलत था, मंदिर मस्जिद गिराना गलत था, और फिर बोलती है कि यहाँ पे मंदिर बनेगा। तो हमको सुप्रीम कोर्ट से ना कोई उम्मीद है, लेकिन हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हम एहतजाज करेंगे और आखिरी दम तक करेंगे। जब तक हमको हमारे हक और हक के पामाली नहीं होती, हम तब तक लड़ते रहेंगे, चाहे इसके लिए हमको कितना ही लड़ना क्यों ना पड़े, कितना ही मरना क्यों ना पड़े, हम जान भी देने को तैयार हैं।